सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की लास्ट पोएट्री लेकर के आया हूँ, आंट जेनिफर स्टाइगर। आंट जेनिफर स्टाइगर जो है वो समाज में उन विवाहित महिलाओं की स्थिति पर लिखी गई एक कविता है, जो कि एक पुरुष प्रधान समाज में रहती हैं और हर तरह से अपने पति के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो उनके मन की भावनाएं कैसी है, वो कैसा महसूस करती है ऐसी परिस्थितियों में, उन सभी चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं आंट जेनिफर के माध्यम से। तो आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडिंग करती हैं, कशीदाकारी करती हैं और अपनी स्वतंत्रता की कल्पना अपनी उस कलाकृति में करती हैं। ये हमारी कविता है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार में आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी कविता को। सेंट्रल आइडिया हमारी इस कविता का क्या है? द थीम ऑफ द पोयम आंट जेनिफर स्टाइगर रिलेट्स टू द इशू। तो किस इशू से, किस मुद्दे से रिलेट करता है ये? एंड सब्जेक्ट ऑफ मेक डोमिनेंस इन सोसाइटी, के कैसे हम अपना प्रभुत्व संपन्न कर सकते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं समाज के अंदर। द थीम वॉन्ट्स टू हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट, किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विरोधाभास, संघर्ष, ऐसे कौन से मुद्दे हैं और कौन से स्ट्रगल्स हैं, कौन से संघर्ष हैं दैट अ वूमेन हैज टू फेस, जो एक महिला को फेस करने पड़ते हैं। एक महिला, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, खास करके मेरी जो महिला जितनी भी विद्यार्थी हैं या कन्या जितनी भी विद्यार्थी हो, एक बात को ध्यान से समझना कि आप जब तक आर्थिक तौर पर, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, जब तक आप आर्थिक तौर पर किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपका डोमिनेंस कर सकता है, उसमें कोई समस्या, कोई परेशानी उसे नहीं होगी। लेकिन जिस दिन, जिस भी दिन आप आर्थिक तौर पर, यानी अपनी खुद का पैसा कमाने लग गए, अपनी जॉब लग गए और बढ़िया से अपना खुद का पैसा कमा रहे हो, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, ये बात मान करके रखना। हैज़ टू फेस इन द मेल चोविनिस्टिक सोसाइटी, तो यहाँ पर अंध राष्ट्रवादी जो सोसाइटी है, जो पुरुषों के द्वारा बनाई गई है, उसमें महिलाओं को किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है, किस तरह की परेशानी देखनी पड़ती है, उसके बारे में हमारी आज की कविता होने वाली है। आंट जेनिफर स्टाइगर हमारी कविता का नाम है। इसका आंसर आपको देना है मुझे, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, तो इस कविता का शीर्षक जो है वो आपको क्या बताता है, क्या दर्शाता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, क्या आपको टाइगर्स से संबंधित और कोई पोएम ध्यान आ रही है? तो एक हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक पोएम पढ़ी थी, है ना, बस इतना ही हिंट दूंगा, बाकी आंसर आप लिख सकते हैं इसका। आंट जेनिफर स्टाइगर, अब यहां से हमारी कविता शुरू होती है। आंट जेनिफर स्टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उछल कूद कर रहे हैं एक स्क्रीन पर। ब्रिज टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि हरियाली भरे संसार के अंदर, खास करके हरियाली भरा संसार कौन सा मानते हैं हम लोग, कि जंगल के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, तो जंगल में वो सारे के सारे जो टाइगर्स हैं वो उछल कूद कर रहे हैं एक दृश्य में, हमें ऐसा दिखाया जा रहा है, यानी रेखा चित्र में दिखाया जा रहा है या शब्द चित्र में दिखाया जा रहा है। ब्राइट टोपाज, इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत ही टोपाज एक अपन उसको बोलते हैं, बहुत ही गहरे और पीले रंग का एक रत्न होता है, उसे कहा जाता है टोपाज, बहुत ही उजला होता है। डेनिजेंस, जो कि निवासी हैं एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, यानी कि जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वे आदमियों से नहीं डरते या मनुष्यों से नहीं डरते। बिनेथ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे बैठे होते हैं, यानी ऐसे लोग, ऐसे आदमी जो पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, ये उनसे कभी भी डरते नहीं है। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, यानी कि वे आगे बढ़ते हैं, पेस का मतलब आगे बढ़ना, गतिशील होना, स्लीक यानी सज्जनता से, एंड चिवलरिक का मतलब होता है शिष्टतापूर्वक तरीके से, सर्टेनिटी यानी कि अपनी निश्चितता को धारण किए हुए, यानी निश्चित तौर पर वे अपनी सज्जनता से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। डेनिजन शब्द का अर्थ यहाँ बताया गया है गाइस, अ पर्सन एंड एनिमल और अ प्लांट, एक व्यक्ति, एक कोई भी जानवर या फिर एक प्लांट, एक पौधा, दैट लिव्स, जो कि रहता है, ग्रोज, उगता है। तो अगर मनुष्य होगा या जीव होगा वो तो रहेगा, लेकिन अगर प्लांट होगा तो वो तो ग्रो होगा,
और इज ऑफन फाउंड या फिर अक्सर पाया जाता है इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक निश्चित स्थान पर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसको एक शब्द में कहना चाहूं तो निवासी है ना, मोटे मोटे तौर पर निवासी शब्द का प्रयोग यहां किया जा सकता है। तो यहां पर आंट जेनिफर के टाइगर बताए गए हैं कि आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं। तो आंट जेनिफर के टाइगर बहुत ही ज्यादा निडर हैं, निर्भीक हैं, किसी से डरते नहीं है, मस्त जंगल में घूम फिर रहे हैं, उनको किसी की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो कहां पर है ये देखने को मिलेगा हमें। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो तेजी से चल रही हैं थ्रू हर वूल, यानी उनका वूल, ऊन का जो गोल सा गट्टा होता है ना, गट्टा बोलते हैं गोल गोल अपन जो रोल बना लेते हैं वूल का, ऊन का। फाइंड इवन द एवरी निडल हार्ड टू पुल, यानी कि अब उनकी उंगलियां जो हैं, उनकी उंगलियों के लिए जो आइवरी निडल है यानी हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है हमारे, मतलब जैसे मैंने तो सामान्य तो वो देखी नहीं हाथी दांत की सुई, लेकिन इससे थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी पतली छड़ियाँ होती है, दो छड़ियाँ होती है ऐसी, जिससे यूं यूं करके बुनाई की जाती है। तो कह रही है कि भाई आंट जेनिफर की जो उंगलियाँ हैं जिससे कि वो उस ऊन को बुन रही हैं और टाइगर बना रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी उंगलियों के लिए उस वूल को खींचना बहुत ही भारी है, बहुत ही मुश्किल है, हार्ड टू पुल है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यानी उनके हाथ में जो दो सीखे हैं जिनसे वो बना रही हैं वो उन्हें बहुत ही मुश्किल लग रही है उन्हें खींचना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये है सबसे मेन बात भैया, ऊन को खींचना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बहुत भारी चीज थोड़ी है कि खींचा नहीं जाएगा, परेशानी होगी, लेकिन उनकी उंगलियां भारी क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी उंगली में क्या है, अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि हमारे यहाँ पर जो हम लोग महत्व देते हैं मंगलसूत्र को सामान्यतः, ठीक है, भारत में, वही अगर आप विदेश में बात करोगे तो यहाँ पर विदेशों में जब शादी होती है तब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, है ना, जिसे हमारे यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी कहा जाता है, हालांकि अब वैसा हो गया है, पहले वैसा नहीं था। तो अब लड़के या लड़की ने अगर हाथ में अगर अंगूठी पहन रखी है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो शादीशुदा है, तो यानी उसके मैरिड होने की पहचान होती है वो, ठीक है। अब वहाँ पर तो क्रिश्चियन सोसाइटी रहती है तो वहाँ पर तो कोई सिंदूर वगैरह या मंगलसूत्र वगैरह तो पहनने का है नहीं कल्चर। तो अंकल की वेडिंग बैंड जो है, यानी अंकल ने शादी के समय जो उन्हें अंगूठी पहनाई थी वह उन्हें बहुत ही अत्यधिक भारी लग रही है, जिसकी वजह से जो वो टाइगर्स बना रही हैं या उनकी उंगलियाँ जो फहरा रही हैं, उनकी उंगलियाँ जो बुन रही हैं उन टाइगर्स को, उसमें वो आइवरी निडल जो है उन्हें बहुत ही मुश्किल लग रहा है उसे खींचना। तो अंकल्स वेडिंग बैंड जो है यहाँ पर ये एक आप ये मान सकते हो कि गुलामी का प्रतीक यहाँ पर बनेगा ये, कि भाई वहाँ पर दासता का प्रतीक वो दिखाएगा कि किस प्रकार से आंटी जो है उनके मन में ये भावना है कि भैया मेरा जो स्वामी है, मतलब मेरा पति नहीं, मेरा जो मालिक है वो मेरा पति है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और ये जो अंगूठी है, ये जो वेडिंग बैंड है, ये बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही हैवीली, भारी तरीके से आंट जेनिफर के हाथ पर बंधी हुई है, बैठी हुई है, मतलब स्थित है। सिट का मतलब यहां बैठी नहीं होगी, हम इसको क्या लेंगे, स्थित, ठीक है। तो ये है, बहुत ही भारी तरीके से स्थित है आंट जेनिफर के हाथ पे, ठीक है गाइस। तो अब तक की हमने सिचुएशन क्या देखी, सबसे पहले हमने बहुत ही निडर और निर्भीक टाइगर्स को देखा, टाइगर्स के बारे में हमें ये पता चला कि दृश्य में हमें जो टाइगर दिखाई दे रहे हैं वो ऊन से बुने गए टाइगर हैं जिन्हें आंट जेनिफर बुन रही है, और जब वो ऊन से बुनाई का काम कर रही है तो उन्हें ऊन को खींचना जो है वो बहुत ही भारी काम लग रहा है, क्योंकि एक बहुत ही भारी वेडिंग रिंग उनके हाथ में है जो उनको दास्ता का एहसास दिलाती है और जो उनके हाथ में स्थित है, ठीक है। वेन आंट इज डेड, और जब आंट की मृत्यु हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो जब आंट की डेथ भी हो जाती है, यानी कि यहां पर ये दर्शाना चाह रहा है कि भाई जीते जी तो दास्ता है ही है, भाई जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको अंकल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपके हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये दास्ता तो है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मरने के बावजूद भी वो अंगूठी वही है, यानी कि अभी जब वो डेड पड़ी है सामने, जब उनकी डेड बॉडी सामने है तब भी उनकी उंगली में वही वेडिंग रिंग
दिखाई दे रही है. तो when aunt is dead, जब आंटी की मृत्यु होती है, her terrified hands lie, उनके भयानक हाथ एक तरफ पड़े होते हैं. Still ringed with ordeals, अभी भी ringed हैं, अभी भी घिरे हुए हैं उस अंगूठी से. She was mastered by, और वो अंगूठी जो किसने दी है, जिसके द्वारा उन पर स्वामित्व किया जाता है, जिनके द्वारा उन पर स्वामित्व किया जाता है. तो किनके द्वारा स्वामित्व किया जाएगा, तो सामान्यतः अंकल की बात हो रही है. तो वो अंकल का जो अभी भी उन पर कंट्रोल है, वो अभी भी बना हुआ है, इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और उस पैनल पर जो टाइगर उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा प्रेंसिंग करते रहेंगे, हमेशा गर्वित रहेंगे, और अनअफ्रेड यानी कि हमेशा निडर बने रहेंगे. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन डर में, भय में बिता दिया हो, वह अपने निडर होने की कल्पनाओं की पूर्ति कहाँ करता है, तो जब वह कलाकृतियाँ बनाता है. तो यहाँ पर जब वो आइवरी से जब वो एम्ब्रॉयडिंग कर रही हैं, तब वो उन कलाकृतियों में क्या बना रही हैं, टाइगर्स बना रही हैं. क्यों बना रही हैं, क्योंकि उनके जीवन में निडरता की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है. लेकिन उनके टाइगर्स उनकी तरह नहीं हैं, उनके टाइगर्स उनसे अलग हैं, उनके टाइगर्स मस्त घूमने फिरने वाले हैं, मस्त प्राउड के साथ गर्व से रहने वाले हैं. यहाँ पर गर्व की जगह अगर आप हिंदी में थोड़ा अन्य अर्थ लेना चाहें, तो आत्मसम्मान से जीने वाले हैं उनके टाइगर्स, और अनअफ्रेड हैं, किसी से भी निडर हैं, किसी से भी डरकर जीते नहीं हैं. नेक्स्ट गाइस, हम बात करने वाले हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में. लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम बात करें, उससे पहले इसमें कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस आए हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ को सिम्बोलाइज कर रही है. तो हम यहाँ पर सिम्बोलिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द जो है या कौन सा वाक्यांश जो है, फ्रेज जो है, वो किस चीज़ का प्रतीक बन करके इस कविता के अंदर आया है, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर लिटरेरी डिवाइसेस भी हम देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला इसमें आया था वेडिंग बैंड, अ सिंबल ऑफ अप्रेशन. अप्रेशन का मतलब होता है अत्याचार का एक प्रतीक है. इज एन अनहैप्पी मैरिज, जो कि एक ऐसी शादी में दर्शाया जा रहा है जो एक अनहैप्पी मैरिज है, यानी कि पत्नी जो है वो अपने पति के साथ रह तो रही है पर खुश नहीं है शादी में. इट्स वेट रेफर टू द बर्डन ऑफ जेंडर एक्सपेक्टेशंस, और इसका जो वजन बताया गया है उससे ये बताया गया है कि बर्डन ऑफ जेंडर एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, कि भैया किसी भी व्यक्ति से आप जो चीज़, आपका जो अनुमान है, आप जो चाहते हो कि यार इससे मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ये क्या कर सकता है, तो यार लड़की है, चूल्हा चौका करेगी, झाड़ू पोछा करेगी घर में, ये एक जेंडर एक्सपेक्टेशन है. पुरुष है तो बाहर जाएगा, कमा के लाएगा, फिर जैसे पुरुष कहेगा वैसे पत्नी को रहना पड़ेगा, तो ये जेंडर एक्सपेक्टेशंस होती है, उसे ये दर्शा रहा है. रिंग्ड मीन्स एनसर्किल्ड, रिंग्ड का मतलब पहना हुआ है, एनसर्किल्ड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ट्रैप्ड या फिर फंसा हुआ है. लूजिंग इंडिविजुअलिटी, अपने आत्मीयता को खो चुका है, एंड फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता को खो चुका है. इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ होना. अब जैसे कि मैं जो चाहूँ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, तो मेरी इंडिविजुअलिटी जो है वो बरकरार है, मैं जैसे चाहूँ वैसे उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, तो ठीक है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे, आत्म स्तर पे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और मैं स्वतंत्र भी हूँ वो सब करने के लिए. लेकिन आंट के साथ ऐसा नहीं है. आंट जेनिफर, अब आंट जेनिफर भी एक तरह का सिंबलिज्म है. आंट जेनिफर को हमने एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया है. ऐसी कई आंट्स जो हैं, कई लड़कियाँ जो हैं, कई महिलाएँ जो हैं, अपने घर में अपना जीवन इस तरीके से जी रही हैं. अ टिपिकल विक्टिम ऑफ मेल अप्रेशन, जो कि एक टिपिकल विक्टिम है, शिकार है मेल अप्रेशन का, पुरुष अत्याचार का. इन एन अनहैप्पी मैरिज, एक नाखुश शादी में. हु सफर्स, जो कि परेशान हो रही है. अ लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, किस चीज़ से परेशान हो रही है, पीड़ित हो रही है कि उसने इंडिविजुअलिटी को, आत्मनिष्ठा को खो दिया है. डिग्निटी, गरिमा को खो दिया है. एक तो होता है गरिमापूर्ण जीवन, एक होता है किसी व्यक्ति के साथ जीवन जीना होता है जो मतलब बात बात में, ए चल चल काम कर अपना, तो ये गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं है, है ना. तो उसने अपनी गरिमा को खो दिया है, अपनी इंडिविजुअलिटी, आत्मनिष्ठा को खो दिया है. पर्सनल फ्रीडम, उसकी जो पर्सनल का मतलब हो गया उसकी निजी स्वतंत्रता जो है वो उसे खो चुकी है, साइलेंटली, चुपचाप से. शी बिकम्स डिपेंडेंट, फियरफुल एंड फ्रेल, वो डिपेंडेंट हो गई है यानी निर्भर हो गई है, फियरफुल यानी कि बहुत ही भीरू स्वभाव की हो गई है. एक हिंदी में शब्द आता है भीरू, अब मुझे नहीं पता कि ये हिंदी में है कि संस्कृत में है, लेकिन भीरू एक शब्द आता है, ऐसा व्यक्ति जो डरपोक हो, जो बहुत ही डर के साथ रहता है. फ्रेल यानी कि बहुत ही नाजुक उसका जीवन हो गया है,
यानी कि ऐसा जीवन हो गया है जहां पर वो अपने हिसाब से नहीं जी सकती। फिर यहां पर सिंबलाइज किया गया है टाइगर्स को, तो टाइगर्स की स्थिति जो है आंट जेनिफर की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति जो भूखा है उसको रोटी चाहिए, तो उसकी कल्पनाओं में रोटी ही आएगी, किसी मूवी की हीरोइन कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसको रोटी ही चाहिए अपने जीवन में। उसे किस चीज की आवश्यकता है? रोटी की आवश्यकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति, कोई ऐसा बच्चा जो अनाथ हो, उसकी कल्पनाओं में वो माता पिता को ही देखेगा, वो माता पिता के अलावा अन्य किसी चीज की चाह नहीं करेगा, लेकिन वो सबसे पहले माता पिता की चाह करेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति जो बहुत ही डर कर दब कर अपना जीवन जी रहा हो, वो किसी ऐसी चीज की कल्पना करेगा जो स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का, आत्मनिर्भरता का, गरिमा का, सम्मान का प्रतीक हो। और आंट जेनिफर या आंट जेनिफर जैसी महिलाओं के लिए वो कौन हो सकता है? तो वो जीव हो सकता है या वो प्रतीक हो सकता है, टाइगर। सिंबलाइज अनटेम्ड, अनटेम्ड का मतलब होता है निडर, फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट मतलब स्वतंत्र जीव है ये अपने आप में। हियर दे स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर्स पर्सनैलिटी। शानदार लिखा है, देखो क्या बढ़िया लिखा है। उनकी जो, उनका जो क्रिएटर है, उनका जो निर्माण करने वाला है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में हमें दिखाई देते हैं ये। द यूज ऑफ कलर्स implies that Aunt Jennifer's tigers and their land are vital and they enjoy a scene of freedom far greater than she does. तो जिस तरीके से कलर्स का इस्तेमाल किया गया है आंट जेनिफर के द्वारा, आंट जेनिफर के टाइगर्स बनाते टाइम, देयर लैंड, वो जिस जगह पर रहते हैं, आर वाइटल, तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा वाइटल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आंट जेनिफर टाइगर और उनका लैंड, तो ग्रीन लैंड में रह रहे हैं ना, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रह रहे हैं, हरियाली में, यानी कि जंगल में रह रहे हैं, जो उनका प्रिय, जहां वो रहना चाहते हैं। आंट जेनिफर तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती लेकिन रह रही है। तो एक तो क्या है कि टाइगर जो है जिस तरह का उनका व्यवहार है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो भी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है आंट जेनिफर की तुलना में। एंड दे इंजॉय अ सीन ऑफ फ्रीडम, और वे इंजॉय करते हैं, सेंस ऑफ फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता के भाव को अपने अंदर महसूस करते हैं, फार ग्रेटर देन शी डज, यानी कि वह आंट जेनिफर अपने जीवन में जितनी स्वतंत्रता को महसूस करती है उससे कहीं ज्यादा वे स्वतंत्रता देखते हैं। दे पेस एंड प्रेंस, वे आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्रता से घूमते फिरते रहते हैं, प्राउडली अपने गर्व के साथ, फियरलेस बिल्कुल निडर होकर, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास के साथ, मेजेस्टिक लाजवाब या शानदार होते हुए, फियरलेस ऑफ मैन बिल्कुल मनुष्यों से, इंसानों से, पुरुषों से निडर हुए, येल्लो ब्राइट टोपाज connotes the sun and the fierce energy. तो यहाँ पर ये जो येल्लो कलर जिसे टोपास कलर से बताया गया था, ब्राइट टोपास कलर से बताया गया था, वो क्या दर्शाना चाहता है? जैसे कि सूर्य होता है या फिर बहुत ही सूर्य की जो फियर्स, खतरनाक वाली जो एनर्जी होती है उसे दर्शाते हैं। ग्रीन रिमाइंड्स वन ऑफ द स्प्रिंग एंड विटैलिटी, और ग्रीन कलर जो यहाँ पर बताया गया है वो वसंत को और वेटाइलिटी को यहाँ पर दर्शाता है कि भाई किस तरह का जीवन वे जी रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो कशीदाकारी वो कर रही थी, अ सिंबल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये एक प्रतीक बनता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप रचनात्मक तरीके से अपनी बात को किसी के सामने प्रकट या प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपनी बात को साधारण तरीके से भी कह सकते हैं, रचनात्मक तरीके से भी कह सकते हैं। जिस तरह से कहेंगे उस तरह से ही उस बात का प्रभाव बनेगा। सामान्य कहोगे सामान्य प्रभाव बनेगा, रचनात्मक तरीके से कहोगे रचनात्मक प्रभाव बनेगा, ठीक है। द आर्ट वर्क एक्सप्रेसेस द आंट्स सप्रेस्ड डिजायर, तो आर्ट वर्क जो कर रही है आंट जेनिफर, वो आंट जेनिफर की जो दबी कुचली इच्छाएं हैं, है ना, दबी हुई जो इच्छाएं, जो इच्छाएं उन्होंने दबा कर रखी हुई है, ओके, उनको दर्शाता है। एंड बिकम्स हर एस्केप फ्रॉम द अप्रेसिव रियलिटी ऑफ हर लाइफ, और उसके भागने का एक साधन बनते हैं जो उसकी अत्याचार से भरी हुई जो जीवन की वास्तविकता है उससे भागने का समाधान यहां पर बनता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने द थर्ड लेवल पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग सैम की बात कर रहे थे कि दुनिया की वरीज चिंताओं से, इन सबसे भागने के लिए वो थर्ड लेवल की कल्पना करता है, वैसे ही बिल्कुल समान तरीके से। और ये हर इंसान के जीवन का सत्य है, ये हर व्यक्ति के जीवन का सत्य है, चाहे आप इसे स्वीकार करो चाहे ना करो। व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी की
तो किसी तरह की समस्याएं परेशानी जो है वो लगातार निरंतर आती रहती है। जैसे आंट जेनिफर के लिए यहाँ पर क्या है, अप्रेसिव रियलिटी उनकी लाइफ की है कि भैया मेरा जीवन जो है वो अत्याचार में ही चल रहा है, अत्याचार को सहते हुए मैं अपना जीवन जी रही हूँ। अब इस वास्तविकता से कुछ समय के लिए अपने आप को बाहर निकालने के लिए, और जैसा जीवन वो जीना चाहती है वैसा जीवन वास्तविकता में तो जी नहीं सकती, लेकिन अपनी कल्पनाओं में तो जी सकती हैं। उसके लिए वो इस तरीके के काम करती है, एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, और एम्ब्रॉयडरी में भी वो कोई निराशाजनक चीज़ें नहीं बनाती। इसलिए मैं कहता हूँ जब मूड खराब हो पार्टी सॉन्ग सुनो, मूड खराब है और उस समय दुखियारे वाले गाने सुनोगे तो मूड 10 गुना ज़्यादा खराब होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैंने कहा भाई वैसे तो कंप्यूटर वाला मामला ठीक है, कंप्यूटर वाले तरीके से अगर आप काम को कर लेते हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है कंप्यूटर वाला कौन सा मामला है, तो आप एक्टिव पैसिव वाइज की सीरीज देखना, उसके अंदर हम लोगों ने एक बार बात की थी कि परेशानी के समय में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि भाई आप उससे नहीं भाग पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो कुछ देर के लिए उस चीज़ को छोड़ करके आप कुछ और सोचने लगेंगे तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे, जैसे आंट जेनिफर कर रही है। बाकी आंट जेनिफर की तरह लाइफ मैनेज मत करना है, लाइफ जीना, लाइफ एंजॉय करना, खुश रहना लाइफ में हमेशा। आंट जेनिफर में से आंट शब्द का यूज किया गया है लास्ट स्टेंजा में, द यूज ऑफ द वर्ड आंट एज अपोज्ड टू आंट जेनिफर। तो यहाँ पे आंट जेनिफर का अपोज करते हुए, विरोधाभास करते हुए आंट शब्द का प्रयोग हुआ है। इट शोज दैट शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी कंप्लीटली, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो अपनी पहचान पूरी तरीके से खो चुकी है, यानी अब वो जेनिफर नहीं रही, अब वो जेनिफर नहीं रही, अब वो केवल आंट ही है, यानी कि अंकल की पत्नी और कुछ भी नहीं है। दस लॉस्ट इवन हर नेम, और इसी तरीके से अंततः वह अपना नाम भी पूर्णतः खो चुकी है, यानी कि अब उसकी स्वयं की कोई पहचान नहीं रही है। रिंग विथ ऑर्डियंस का मतलब क्या है, इवन डेथ वुड नॉट फ्री हर एज द वेडिंग बैंड अ सिंबल ऑफ अप्रेशन वुड स्टिल बी ऑन हर फिंगर, यानी कि मृत्यु जो है वो भी उसे स्वतंत्र नहीं कर पाई उस वेडिंग बैंड से, जो कि वेडिंग बैंड जो कि एक सिंबल है अप्रेशन का, जो अत्याचार का प्रतीक है, वो अभी भी उसकी उंगलियों पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि मृत्यु के बाद भी वो स्वतंत्र नहीं है। विजुअल इमेजिनरी, यानी कि किसी चीज़, जो चीज़ वास्तविकता में है नहीं लेकिन अपने मन में कल्पना करते हुए उस चीज़ को देखना, मैं बगीचे में घूमने जा रहा हूँ, मैं बढ़िया सुबह सुबह रनिंग कर रहा हूँ। अब जब मैं बोल रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बगीचे में दौड़ते हुए देख भी रहा हूँ, ये विजुअल इमेजिनरी होती है। ठीक है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स में क्या आया, द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहां पर भी विजुअल इमेजिनरी हुई है। आयरनी हमारा अगला है जो किसको दिखाता है, इट इज आयरोनिकल दैट आंट जेनिफर्स क्रिएशन द टाइगर विल कंटिन्यू टू पेस एंड प्रेंस फ्रीली वाइल आंट हरसेल्फ विल रिमेन टेरिफाइड इवन आफ्टर डेथ। रिंग्ड बाय ऑडियंस शी वॉज कंट्रोल्ड बाय इन हर मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर हमें आयरनी क्या देखने को मिल रहा है, व्यंग्य क्या देखने को मिल रहा है, हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यंग्य। तो व्यंग्य क्या है यहाँ पर हमारा, तो सीधा सीधा व्यंग्य हमारा ये बनता है कि आंट जेनिफर का खुद का जीवन कैसा है, वो तो बहुत ही डरपोक किस्म का, अत्याचार सहने वाला, बिल्कुल बंदिश में रहने वाला, गुलामी का प्रतीक जो है अंगूठी वो अभी भी उनके हाथ में, उनका खुद का जीवन तो ऐसा है, और वो रचना या कल्पना किसकी कर रही है, तो वो ऐसे टाइगर्स की रचना कर रही है, कल्पना कर रही है, जो स्वतंत्र हैं, बहुत ही खतरनाक हैं, निडर हैं, इधर उधर स्वतंत्रता से घूमते रहते हैं। तो ये आयरनी कहलाता है कि वास्तविक स्थिति से बिल्कुल विपरीत स्थिति होना। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ एक छोटी सी लाइन आयरनी के लिए याद रखना, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। तो वास्तविकता में तो अंधा है, आंखों का कोई सुख है नहीं उसे, लेकिन नाम क्या है उसका, नयन सुख नाम है वो चीज। रिंग विद ऑडियंस, इसके बारे में हम बात कर चुके, इवन डेथ वुड नॉट फ्री हर फ्रॉम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन वुड बी देयर, ठीक है। टेरिफाइड फिंगर्स, अ ट्रांसफर्स एपिथिट इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथिट का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो चीजें एक साथ इस्तेमाल की जा रही हों। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एलिट्रिशन, फिंगर्स फ्लटरिंग, तो एफ एफ का दो बार प्रयोग हो गया। प्रेंसिंग प्राउड, पी पी का दो बार प्रयोग हो गया। फिर आ गया नेक्स्ट अपना हाइपरबोल, द वेट ऑफ अ हस्बैंड्स वेडिंग रिंग। तो हाइपरबोल मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना, हाइपर का मतलब बढ़ा चढ़ा कर, बोल का मतलब बोलना, ऐसे याद रख लो, हाइपरबोल किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है। ठीक है, तो वेट जो है उसके हस्बैंड की वेडिंग रिंग का, वो अभी भी उसके हाथ में है, वो बहुत भारी है। नेक्स्ट आता है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स के अंदर हम देखते हैं आंट जेनिफर अ
ट्रेम्बलिंग एंड मास्टर्ड वुमेन क्रिएट्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट टाइगर्स फिंगर्स फ्लटरिंग प्रोड्यूस टाइगर हु प्रिंस विथ सर्टेनिटी। तो यहाँ पर पैराडॉक्स हुआ है इन सेंटेंसेस के अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पैराडॉक्स दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आंट जेनिफर स्ट्राइगर की समरी के बारे में, इसकी समरी क्या होने वाली है, इसका सारांश अगर हमें लिखना हो। देखो सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा अलग होता है, सेंट्रल आइडिया में हम बताते हैं कि मूल विचार क्या है, मूल विचार क्या है इस कविता का, कि भाई किस विषय को किस उद्देश्य को हाईलाइट करने के लिए ये कविता लिखी गई है, वो चीज़ें आप लिखते हो सेंट्रल आइडिया में। और समरी के अंदर क्या लिखते हो कि इस कविता में क्या क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें आप समरी में लिखते हो। तो इन दोनों में अंतर समझ लेना। आंट जेनिफर टाइगर्स समरी, द पोएट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग्स ऑफ ए वुमेन। तो यहाँ पर पोएट जो है वो आंतरिक भावनाएं दर्शाती है एक महिला की, आंट जेनिफर की। द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिफ कंप्रेसिंग ऑफ एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी। तो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडिंग करते हुए बता रही हैं, कंप्राइज कर रही हैं, दर्शा रही हैं बहुत ही ताकतवर एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जा से भरे हुए निडर टाइगर्स को जो कि स्वतंत्रता से घूम रहे हैं ब्राइट यानी कि उजले ग्रीनरी वाले सीन में। शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड। सबमिसिवनेस का मतलब होता है समर्पण युक्त जीवन जीना, यानी कि अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर चुकी है कि आप कहोगे तो उठ जाऊंगी, आप कहोगे तो बैठ जाऊंगी, वो सबमिसिवनेस होता है कि भाई आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो वह जीवन जी रही है सबमिसिवनेस का, अपने पति के कमांड के अनुसार हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम, और जो भी कार्य वह कर रहे हैं उस पर आपको डोमिनेशन यानी प्रभुत्व दिखाई देता है उसके पति का। एंड शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली, और वह लगातार उससे डरती रहती है, लगातार उससे भयभीत रहती है। दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट्स हर इनर डिजायर टू लिव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ। और ये जो पैटर्न दिखाया गया है फ्री और फियरलेस टाइगर्स का, वो दर्शाता है उसकी आंतरिक इच्छा को कि वह एक स्वतंत्र और एक निर्भीक जीवन जीना चाहती है। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, टाइगर्स बहुत ही शानदार लाजवाब हैं, एलिगेंट जस्ट लाइक वाओ ब्राइट है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स। तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांपने लगती है जैसे वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। शी इज ओल्ड, वह वृद्ध है बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड, पर अभी भी वह अपने पति से डरती है। शी डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग, वह जो करना चाहे वह कर सके इस एंजॉय को वह कभी भी महसूस नहीं कर सकती है, वह कभी भी अपनी स्वतंत्रता से जो चाहे वो नहीं कर सकती है। एज पर हर विश, अपनी इच्छा के अनुसार। शी इज स्कैड, वह डरी हुई है डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू, यानी कि वह जो कशीदाकारी कर रही है उसमें भी उसे डर लग रहा है। एंड फियर्स हिज रेथ, और उसे लगता है कि उसके पति का जो क्रोध है उसका उसे डर लग रहा है, उसे लग रहा है कि उसके क्रोध का भाजन उसे बनना पड़ेगा, उसके क्रोध को उसे सहना पड़ेगा। सिंस द डे शी गॉट मैरिड, जिस दिन से वह उसकी शादी हुई है, शी हैज बीन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ हर हस्बैंड, उस दिन से वह फुलफिल करने में लगी हुई अपने पति के डिमांड्स को। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, और वेडिंग रिंग जो है उसके हाथ पर वह लगातार उसे याद दिलाता रहता है दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, कि वह अपने पति की पति से ही बिलोंग करती है, यानी उसका स्वामित्व मालिकाना हक जो है उसके पति का ही है। द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज, और जो बोझ है इस डिमांडिंग मैरिज का, जो कुछ ना कुछ उससे डिमांड कर ही रहा है लगातार इतने सालों से, हैज एग्जॉस्टेड हर, उसने उसे क्या कर दिया है, उसने उसे थका दिया है पूरी तरीके से। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ, और ये टॉर्मेंट यानी कि ये जो डर है, पीड़ा अत्याचार जो है, ये उसकी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगा। इवन आफ्टर हर डेथ, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी, द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री, जो रिंग है वो उसकी उंगलियों पे ही रहेगी, उसके हाथ पे ही रहेगी, वह तब भी स्वतंत्र नहीं होगी, यानी कि वह जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। ऑन द अदर एंड, और दूसरी तरफ, द टाइगर्स दैट शी इज एम्ब्रॉयडिंग, वह टाइगर्स जो वो एम्ब्रॉयडिंग से बना रही है, विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉर एवर, वो हमेशा लगातार स्वतंत्रता से चारों ओर अपने जंगल में घूमते रहेंगे। हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस, उसकी जो इच्छा है फियरलेसनेस की और फ्रीडम की, यानी निडर होने की और स्वतंत्र होने की, विल लिव ऑन थ्रू हर टाइगर्स, वह अपनी इच्छा को कहाँ जिएगी, तो जो टाइगर्स का उसने निर्माण किया, वह कह रही है कि मैं अपने जीवन में जो नहीं जी पाई,
मैं अपने जीवन में जीते जीते या मरने के बाद भी अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा करूंगी, तो मैंने जो टाइगर्स बनाए हैं उन टाइगर्स के माध्यम से पूरा करूंगी, मतलब अपने कल्पनाओं में पूरा करूंगी, ठीक है, कल्पनाओं में या अपने विचारों में स्वतंत्र जीवन जीऊंगी, वास्तविकता में तो मैं स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा जो है रेफरेंस सबका सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, है ना। रेफरेंस में हम ये बताते हैं कविता कहाँ से ली गई है या पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। एक्सप्लेन में मतलब केवल कॉन्टेक्स्ट में परिचय देना होता है कि भाई ये बताया गया, बस परिचय मात्र देना है, और जो परिचय आपने दिया उसको एक्सप्लेन करना है आपको एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा हम देख रहे हैं, बुक खोल लीजिए ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। द अबव गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रिन रिच, जिसकी लेखिका कौन है, एड्रिन रिच है। द लाइन्स इंट्रोड्यूस द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर एंड द एक्टिविटीज ऑफ द टाइगर, ये लाइन जो है ये इंट्रोड्यूस की गई है टाइगर्स के बारे में और वे टाइगर जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं और उन आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर्स की एक्टिविटी कैसी है, यानी कि उनके कार्य कैसे हैं, कैसी क्रियाकलाप यहाँ पर हमें उनकी दिखाई दे रही। आंट जेनिफर इज एन ओल्ड लेडी हु क्रिएटेड द इमेजेस ऑफ टाइगर्स ऑन द स्क्रीन पैनल। आंट जेनिफर जो है एक वृद्ध महिला है जिन्होंने निर्माण किया है वोव का मतलब होता है बुनना, जिन्होंने टाइगर को बुना है, बुनने का काम किया है इमेजेस को, उन चित्रों को टाइगर्स के एक स्क्रीन पर पैनल पर। दीज टाइगर्स आर शोन इन रनिंग कंडीशन, और ये टाइगर जो है दौड़ती भी परिस्थिति में बनाए उन्होंने। दे आर द शाइनिंग ड्वेलर्स लाइक जैम, वे ड्वेलर्स यानी कि वहां के निवासी हैं, शाइनिंग चमकते हुए निवासी हैं, जैसे कि जैम रत्न होता है टोपाज ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि वो उस हरियाली भरे संसार में जो कि शांति का प्रतीक है उसमें ऊर्जा के समान है। द फॉरेस्ट देयर नेचुरल एबोड इज द फॉरेस्ट, और वो ग्रीन वर्ल्ड किसके लिए कहा गया है, फॉरेस्ट के लिए कहा गया है। देयर नेचुरल एडोब इज द फॉरेस्ट, उनका जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो जंगल ही है। दे आर नेचुरली वेरी बोल्ड, वे स्वाभाविकतया ही बहुत ही बोल्ड होते हैं। बोल्ड का मतलब यहां पर क्या है, निडर होना। कितने शब्द मिल गए आपको निडर होने के लिए इस चैप्टर में। दे डू नॉट फियर द मैन बिनिथ द ट्री, और पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, वे उनसे डरते नहीं हैं। दे आर सिंबोलिकली बोल्ड एंड डेयरिंग, वे इन दोनों ही शब्दों का अर्थ है निडर होना। तो सिंबोलिकली मतलब प्रतीकात्मक रूप से वे टाइगर्स क्या हैं, वे टाइगर्स बहुत ही निडर हैं। नो ह्यूमन बींग कैन मेक देम फियरफुल, कोई भी मनुष्य उन्हें डरपोक नहीं बना सकता, उन्हें डरा नहीं सकता। दोज टाइगर्स आर फाउंड इन द इमेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, वे टाइगर जो पाए जाते हैं इमेजेस में साथ ही साथ फॉरेस्ट में, रनिंग विथ डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है सज्जनतापूर्वक तरीके से, सज्जनता के साथ वो इधर उधर दौड़ रहे हैं डिसेंसी से, माइटीनेस अपनी ताकत से एंड कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ। दे नो, वे जानते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, वे बहुत ही आत्मविश्वासी हैं, दैट दे आर द मोस्ट पावरफुल, कि वही सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो टाइगर्स अपने बारे में जानते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर से लेकर के आंट जेनिफर्स हैंड तक का हम लोग देखने वाले हैं। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, तो ये आंट जेनिफर्स टाइगर से लिया गया है, कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच, बात कर चुके हैं। द स्टैंजा टेल्स अबाउट द ओल्ड एज कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर एंड हर everlasting responsibilities. तो ये स्टेंजा जो है, ये स्टेंजा को हम हिंदी में कहते हैं पद्यांश, ठीक है, ये पद्यांश जो है ये हमें बताता है उनकी वृद्धावस्था की स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, और हर everlasting responsibilities यानी कि अनंत काल तक चलने वाली उनकी जिम्मेदारियां, ऐसे उत्तरदायित्व, ऐसे जिम्मेदारियां जो हमेशा रहेंगी, जब तक वो जीवन में है, जब तक वो जीवित हैं, तब तक वो जिम्मेदारियां उन पर बनी रहेंगी, वो उनकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। आंट जेनिफर हैज शोल्डर्ड ऑल दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच अ मैरिड वुमेन बियर, शोल्डर्ड का मतलब होता है निभाना, अपने कंधों पर उठा लेना, है ना। तो आंट जेनिफर जो है उन्होंने सारी उन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया है, उठा चुकी है, जो एक वैवाहिक महिला उठाती है या बियर करती है, बियर करने का मतलब भी उठाना, सहना या निभाना, ठीक है।
एंड फुलफिल इन हर लाइफ, और पूर्ण करती है उन जिम्मेदारियों को अपने जीवन में. बट नाउ शी हैज ग्रोन ओल्ड, लेकिन अब वो वृद्ध हो गई है. एंड इवन वीविंग द वूल, और अभी जब वो ऊन के वो स्वेटर वगैरह बुन रही है, स्वेटर तो नहीं बुन रही है, पैनल बना रही है. सम क्लोदिंग इज हार्ड फॉर हर, कुछ क्लोदिंग, कुछ कपड़ों को बुनना उसके लिए हार्ड है. हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग वाइल वीविंग, उनकी उंगलियां कांप रही है जब वो वीविंग का काम कर रही हैं, यानी बुनाई का काम कर रही हैं. एंड नाउ हर हैंड्स हैव बिकम सो वीक, और अब उनके हाथ बहुत कमजोर हो गए हैं, दैट शी फाइंड्स द वेरी लाइट वेटेड आइवरी नीडल्स टू पुल फ्रॉम द वूल, कि अब उन्हें बहुत ही मतलब बिल्कुल हल्के वेट वाले जो निडल है, आइवरी निडल्स जो है, जो सीखे होती है, उनको खींचना भी उन्हें बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है. नाउ हर हैंड्स हर बॉडी हर सोल हैज बीन सो मच टायर्ड दैट शी इज अनेबल टू कंटिन्यू. अब उनके हाथ, उनका शरीर और उनकी आत्मा इतनी ज़्यादा थक चुकी है कि वो बताती है कि अब मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं आगे इसे निभा नहीं पाऊंगी, और ज़्यादा नहीं बुनाई मेरे से नहीं होगी. बेयर द मैरिज लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और ना ही अब वो अपनी जो वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां उन्हें भी नहीं निभा सकती. एंड बाउंडेशंस, और उन बाउंडेशंस को भी जो अंकल ने उन पर लगाई है, है ना, अंकल हैज लेडन हंड्रेड्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर शोल्डर्स. तो अंकल ने जो लेडन का मतलब होता है लाद देना, जो सैकड़ों जिम्मेदारियां उन पर लाद दी है, बाउंडेशंस जो उन पर लाद दी है, उन्हें वो नहीं निभा सकती. ऑन हर शोल्डर इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, प्रतीकात्मक तरीके से, ऑफ अ रिंग. और ये सारी चीज़ें अंकल ने कैसे की, उनको एक रिंग पहना करके और ब्रेसलेट, या फिर ब्रेसलेट पहना के, हालांकि ब्रेसलेट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर रिंग में ही बात होगी, है ना. विच सीम्स हैवी अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो बहुत ही भारी प्रतीत होती है आंट जेनिफर के हाथ पर. ठीक है, तो इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कहे, कृपया पुरुषों के बहकावे में ना आए. कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है, अपने स्वविवेक से आपको निर्णय लेना है अपने जीवन में, है ना. तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 3 दिसंबर की बात है, मेरे को अचानक से याद आ गई जैसे मैंने वो सेंटेंस पढ़ा. तो 3 दिसंबर को हमारा एक स्पेशल अनाउंसमेंट का था, वीडियो था, शाम को आया था 6:30 बजे. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं. तो उसके अंदर मैं क्या, उस दिन पहले ही बोल के गया था स्टूडेंट्स को कि मैं भी चैट में आऊँगा और अपन चैट में बैठेंगे, मस्ती करेंगे. तो मैं उस दिन लाइव चैट के अंदर स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था, मस्ती कर रहा था. सब लोग, हम लोग सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे, जो जो मुझे जानते हैं या मैं जिनको जानता हूँ, बाय नेम, बाय फेस तो मैं नहीं जानता आप लोगों को, लेकिन बाय नेम जिन जिनको जानता हूँ, मस्ती चल रही थी. मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, बहुत सारी लड़कियों को देखा. हाय रितु, रिप्लाई नहीं कर रही हो. हाय कनक, रिप्लाई नहीं कर रही हो. मत करना, करना ही मत. आंट जेनिफर आपको यही बताने की कोशिश कर रही है, मत करना रिप्लाई. ये रिप्लाई बहुत भारी पड़ेगा. ठीक है, व्हेन आंट इज प्राउड एंड अनअप्रेड. तो यहाँ पर व्हेन आंट इज से लेकर के प्राउड एंड अनअप्रेड तक हम देख रहे हैं. दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर. तो ये जो कविता है ये ली गई है, ये पंक्तियाँ जो है ली गई है आंट जेनिफर्स टाइगर से, कंपोज बाय एड्रियन रिच. एड्रियन रिच इसकी रचयिता है. दीज लाइन्स टेल अबाउट द फाइनल आफ्टरमैथ ऑफ आंट जेनिफर. या फाइनल आफ्टरमैथ का मतलब होता है मृत्यु के बाद का जो समय होता है या जो स्थिति होती है, उसको बताया जा रहा है कि मृत्यु के बाद उनका जीवन कैसा है. आंट जेनिफर हैज फुलफिल्ड ऑल रिक्वायर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ टिल हर लास्ट टाइम. आंट जेनिफर जो है उन्होंने पूर्ण की है सारी की सारी रिक्वायर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो भी आवश्यकताएं थी जिम्मेदारियों को निभाने की, उन्हें उन्होंने पूरा किया है मैरिड लाइफ की, जब तक उनका अंतिम समय नहीं आ गया. नाउ शी इज डेड, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है. बट वॉट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, लेकिन वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, खतरनाक है, दैट इवन आफ्टर हर डेथ, कि उनकी मृत्यु के बाद भी, हर हैंड्स फाउंड टेरिफाइड, उनके हाथ बहुत ही भयानक लग रहे हैं, टेररइज्ड, डर से डरे हुए, भयाक्रांत लग रहे हैं, फियरफुल, डरे हुए, एज दोज आर बर्डन स्टिल नाउ, जैसे कि अभी भी वो बाउंडेड हों. बाउंडेड होने का मतलब अभी भी वो किसी चीज से बंधे हुए हों. इवन नाउ, बल्कि अब भी, द रिंग इज फाउंड इन आर हैंड्स एंड दैट रिंग आर द सिंबल ऑफ द सिंबल दैट आंट जेनिफर इज स्टिल बाउंडेड लाइक अ स्लेव. और अभी भी
जो रिंग उनकी हाथों में हमें दिखाई दे रही है, उनके हैंड्स के अंदर वो रिंग जो कि सिंबल है कि आंट जेनिफर जो है अभी भी बाउंडेड है लाइक अ स्लेव, बिल्कुल एक गुलाम की तरह अभी भी वो अपना जीवन स्वतंत्रता से नहीं जी सकती है। दैट रिंग इज दैट ऑर्नामेंट, और ये जो रिंग है यही वह ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, यही वह आभूषण है विच बाउंडेड आंट जेनिफर फॉर लॉन्ग लाइफ, जिसने बांधे रखा आंट जेनिफर को लंबे जीवन में। इवन आफ्टर हर डेथ, बल्कि अभी उनकी मृत्यु के बाद भी, शी हैज गॉन बट द टाइगर्स, वह जा चुकी हैं लेकिन जो टाइगर्स हैं विच शी हैड मेड इन द पैनल, जो उन्होंने पैनल में बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो स्वतंत्रता से घूमते रहेंगे, रनिंग विथ प्राउड, गर्व से दौड़ते रहेंगे, ब्रेवरी बहादुरी से, दोज टाइगर्स नेवर फियर फ्रॉम एनीबडी, और वो टाइगर्स कभी किसी से नहीं डरेंगे, और बिना डरे निडर होकर के वे अपना हमेशा सदैव जीवन जिएंगे। क्योंकि आंट जेनिफर जो है वो भी ऐसा ही जीवन जीना चाहती थी, लेकिन अब वो स्वयं से ऐसा जीवन जी नहीं सकती, तो वह टाइगर्स के माध्यम से ऐसा जीवन जिएगी, ठीक है, निडरता का जीवन वह जिएगी। ठीक गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपने अच्छे से इंजॉय किया होगा। सबसे छोटी पोइट्री है ये, हमारी सबसे आसानी से तैयार होने वाली पोइट्री है, तो गाइस इस पोइट्री को आप तैयार कीजिए, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।